नमस्कार, मैं गौतम कुकर। आप देख रहे हैं गौतम कुक के चैनल। तो आज बनाएंगे व्हाइट सॉस स्पैगेटी। स्पैगेटी आज बिल्कुल व्हाइट सॉस के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसको घर में एक बार जरूर ट्राई करें और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। पहले क्या करना है दोस्तों, पानी को कर लेना है गर्म, और गर्म पानी में एक चम्मच नमक, बस आधा चम्मच तेल, और साथ में स्पैगेटी डाल दीजिए गर्म पानी में। ये इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से रख दीजिए। थोड़ी देर में ये नरम होके अंदर आ जाता है। तो इसको क्या करना है, स्पैगेटी को अच्छे से पहले बॉईल कर लेना है। तो जैसे आप देखेंगे इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। और अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल तैयार है, पक के रेडी हो चुका है। तो क्या करना है दोस्तों, इसको निकाल लेना है। तो कर देंगे गैस ऑफ, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और साथ में इसको क्या करना है, एक छाननी में छानने लेना है। अगर सूप छाननी है, कोई भी छन्नी है, तो उसमें डाल दीजिए और इसका पानी निकाल लेना है। बहुत आदमी क्या करते हैं दोस्तों, जैसे स्पैगेटी निकाल दिया ना बॉयल करके, तो साथ साथ में ठंडा पानी डाल के तो इसको बॉयल मतलब एकदम ठंडा कर देता है जाके ना चिपके। तो देखा है, मैं हाफ चम्मच, ओनली हाफ चम्मच से भी कम थोड़ा सा तेल डाला और अच्छे से इसको निकाल दिया। तो क्या करना है, पानी में डालने से इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो बटर और लहसुन, यहाँ पे याद रखने वाली एक ही बात है दोस्तों, जितना बटर डालेंगे ना, अगर एक चम्मच बटर डाल रहे हैं तो एक चम्मच इसमें मैदा डालना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अगर आप मान के चलेंगे तो आपका परफेक्ट जो व्हाइट सॉस है वो बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल स्पून मैदा डाल रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में। तो हाई फ्लेम में बिल्कुल मत रखिए, मैदा जल जाएगा, लहसुन जल सकता है। तो इसको क्या करना है, एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से एक मिनट के करीब पका लेना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे मिल्क। यहाँ पे मैंने आधा लीटर मिल्क लिया हूँ दूध। तो दूध को पहले आप गर्म करके भी रख सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूध को डालने के बाद इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, इसके अंदर लम्स बिल्कुल नहीं जमने देना है, कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। तो देखिए ये एकदम परफेक्ट जो हमारा कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। तो इतना ही रखना है। तो इसमें देखिए आपको दिखाता हूँ, स्पैगेटी में मैं बिल्कुल पानी डाल के नहीं धोया हूँ, जस्ट थोड़ा सा तेल डाला था। उससे क्या हुआ, आप बिल्कुल देखिए इसको खुला खुला एकदम खिला खिला है। इसको मिक्स कर देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो अच्छे से मिक्स कीजिए इसको। अगर इसमें क्या है ना दोस्तों, लगे कि कहीं आपका स्पैगेटी ज़्यादा गाढ़ा हो गया इसका ग्रेवी, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और थोड़ा सा डाल देंगे हर्ब्स, मिक्स हर्ब। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन थोड़ा सा यूज़ किया हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक टुकड़ा चीज़, ठीक है, इसको कद्दूकस करके डाल देंगे ऊपर से। बस फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि ये जो गर्मी है ना, इसी में चीज़ भी पिघल जाएगा और आपका काम बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी एकदम व्हाइट सॉस जो स्पैगेटी है, बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इसको मिक्स कर दें अच्छे से, ठीक है, और गैस को बंद कर दें। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा, और ये देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो इसको बस निकालने के बारी है, आप कैसे भी इसको निकालिए, निकाल के बस प्लेट में डाले हैं। अगर दोस्तों मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे नए नए रेसिपी पाने के लिए मेरे साथ बने रहे, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जैसे नया रेसिपी डालूँ आपको मिलते रहे। और आता हूँ नया कोई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। ऊपर से डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।